हाय एवरीवन, सो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके एमएसटी सीटी 2024 के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के ऊपर कि कौन से बच्चे एलिजिबल रहेंगे, कौन से बच्चे नहीं रहेंगे, अगर रहेंगे तो क्या रीजन है, नहीं रहेंगे तो क्या रीजन है। ठीक है, तो प्लीज वीडियो को अंत तक देखना, बीच बीच में स्किप मत करना क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए होने वाला है। ठीक है, और दूसरी एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता देना चाहता हूँ, प्लीज क्रैश कोर्स एक बार देख लेना। ठीक है, एमएसटी सीटी 2024 का क्रैश कोर्स लॉन्च कर दिया है। ठीक है, बाहर आपको 20,000-25,000 देने की जरूरत नहीं है, आपके माँ बाप का पैसा आपको बचाना है। मैं हर साल बच्चों को बोलता हूँ, हर साल बच्चे फॉलो करते हैं मेरी चीज, वो सी वी पी वाजिद पीएचडी वेडी के जो सोमिया कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं आज। ठीक है, मैं भी आपको सेम चीज़ बोलूंगा, प्लीज आपके माँ बाप का पैसा बचाओ। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने क्रैश कोर्स की लिंक डाल दी है, उतना क्रैश कोर्स पढ़ के गए मैं गारंटी देता हूँ आपको आराम से 98% से ज़्यादा आ जाएगी अगर सारी चीज़ें फॉलो की तो आपने। ओके, और उस क्रैश कोर्स में ऐसी खास बात क्या है, उस क्रैश कोर्स में आपका कॉन्सेप्ट पढ़ाया गया है, उस कॉन्सेप्ट के ऊपर लास्ट इतने सालों में से कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है, सारे क्वेश्चंस कराए, और उसके बाद आपको फॉर्मूला शीट प्रोवाइड किए, उसके बाद और आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चंस प्रोवाइड किए, उसके बाद और आपको 1000 क्वेश्चन की शीट हो गई, उसके बाद आपको फॉर्मूला शीट प्रोवाइड किए, कर्नाटका सीटी, वेस्ट बंगाल जेई, सारे क्वेश्चंस फिक्स किए गए ताकि सीटी से रिपीट क्वेश्चन पूछते हैं इसीलिए। ठीक है, तो वो शीट भी आपको मिल जाएगी। अभी बहुत सारी चीजें डलना स्टार्ट हो चुका है, तो प्लीज एक बार ऐप इंस्टॉल कर लेना, वहां पे आपको सारी चीजें मिल जाएगी। बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के ऊपर। ठीक है, तो बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है, इस बार चेंजेस क्या हुए उनके ऊपर भी बात करेंगे। ठीक है, तो अगर ये सब चीजें रही तो ही आप एमएसटी सीटी में बैठ पाओगे या फिर एमएसटी सीटी के बेसिस पे आपको एडमिशन मिल पाएगा किसी भी कॉलेज में। ठीक है, तो बेसिक चीज आपके पास होना चाहिए, 12th पास आपको करनी होगी। आपने एमएसटी सीटी में 99% भी ला लिए लेकिन 12th में फेल हो गए, कोई यूज नहीं होगा उस चीज का। ठीक है, तो 12th आपको पास करनी होगी विद 45% इन पीसीएम और पीसीबी। पीसीएम के लिए कुछ अल्टरनेटिव्स होते हैं, पीसीबी के लिए कुछ अल्टरनेटिव्स होते हैं, लेकिन मैं मानता हूँ जो बच्चा एमएसटी सीटी की प्रिपरेशन कर रहा है उसका पीसीबी या पीसीबीएम ग्रुप में से कोई ना कोई होगा या फिर पीसीएम भी होगा। ठीक है, अगर आप बायो के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपका पीसीबी में आपके 45% होने चाहिए। ओपन कैटेगरी की बात कर रहा हूँ मैं, ओबीसी वगैरह बाकी जो कैटेगरी से उनके लिए सिर्फ आपको 40% लगेंगे। ठीक है, 45% मतलब कितने मार्क्स होते हैं आपके, 135 मार्क्स आपके आने चाहिए। ठीक है, पीसीएम और पीसीबी में, जिनका पीसीबी है उनको पीसीबी के लिए, जिनका पीसीएम है उनको पीसीएम के लिए। दूसरा आपको जो इंपॉर्टेंट चीज होती है वो है डोमिसाइल, आपके पास डोमिसाइल होना चाहिए। ठीक है, महाराष्ट्र डोमिसाइल आपके पास होना चाहिए या फिर बर्थ सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए जिसपे मेंशन होता है कि आपका जन्म कहाँ पे हुआ। ठीक है, उसके बाद आपके पास होना चाहिए नेशनलिटी। नेशनलिटी डिफाइन करता है कि आप एक भारतीय नागरिक हो। ठीक है, तो नेशनलिटी आपके पास होनी चाहिए। उसके बाद अगर आप किसी को कास्ट में बिलोंग करते हो, बी सी एस सी एस टी, तो आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। कास्ट सर्टिफिकेट ऑप्शनल है, नहीं होगा आप ओपन में गिने जाओगे, लेकिन आप एलिजिबल हो। तो बेसिकली आपको ये 4-5 डॉक्यूमेंट चाहिए एलिजिबिलिटी के लिए। ठीक है, और भी अदर कुछ डॉक्यूमेंट्स होते हैं जैसे कि आपके पास पासपोर्ट फोटोज होने चाहिए, खुद का ईमेल आईडी होना चाहिए, हॉल टिकट्स होने चाहिए, उसके बाद आपका खुद का बैंक अकाउंट होना चाहिए। ठीक है, खुद के नाम पे आधार कार्ड उससे लिंक होना चाहिए। ये सब डॉक्यूमेंट्स तो देखो ये सब चीज़ें एग्जाम के बाद भी आप कर सकते हो, है ना, लेकिन ये जो चीज़ें मैंने जो डॉक्यूमेंट्स बताए, नेशनलिटी, डोमिसाइल अभी से बनवा लो, है ना, ये एलिजिबिलिटी के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये था बेसिकली एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ के ऊपर बात करते हैं अभी, 50-50 रूल। ठीक है, बहुत सारे बच्चे मुझे कंटिन्यूस सवाल पूछते हैं कि भैया 50-50 रूल का क्या सीन है। ठीक है, इस बार 50-50 रूल होगा नहीं होगा, है ना, तो सिंपल सी बात है, सीटी सेल से कंफर्मेशन इसका आ गया है। ठीक है, अनऑफिशियली हमने कंफर्म कर लिया है उस चीज़ को। ठीक है, आपका कोई 50-50 रूल नहीं होने वाला है। ठीक है, कल ये मुझे एक बच्चा पूछ रहा था जिसने क्रैश कोर्स के लिए एनरोल किया, भैया इस क्रैश कोर्स से मेरा हो तो जाएगा ना, मेरे 46% आए। ठीक है, मैंने बोला गारंटी के साथ बोल रहा हूँ मैं, तुम सिर्फ क्रैश कोर्स पढ़ो, तुम्हारे 46% तो ओपन में हो, 45 का कैटेगरी है, क्राइटेरिया है। ठीक है, तुम आराम से एक अच्छे कॉलेज में जा सकते हो, मैंने उसको कन्फर्मेशन दे दिया है। मैं आप सबको भी एक कन्फर्मेशन दे रहा हूँ, 50-50 क्राइटेरिया नहीं होने वाला है। ठीक है, बिंदास होके 46% आए, बिंदास होके जाओ। ठीक है, और देखो एक चीज, बार बार हर एक वीडियो में सेम चीज रिपीट कर रहा हूं, एमएसटी सीईटी इज मच मोर इंपॉर्टेंट देन योर बोर्ड्स एग्जाम। सबसे ज्यादा आपको बोर्ड्स एग्जाम पे एमएसटी सीईटी के ऊपर फोकस करना है रादर देन बोर्ड्स एग्जाम। ठीक है, बोर्ड्स में आपके 60% में आए और किसी के 99 पे आए ना, फिर भी आप दोनों इक्वल हो। मजा तो तब आता है जब एमएसटी सीईटी में जो बाजी मारेगा, क्योंकि सिंपल सी चीज है यार, एमएसटी सीटी में जो बाजी मारेंगे उसी को बेस्ट कॉलेज मिलेगा, उसी को अच्छी नौकरी मिलेगी, उसी का फ्यूचर अच्छा होगा। आप ये बोर्ड्स की पर्चा लेके कहाँ जाओगे, है कि नहीं?
तो आपको थोड़ा ब्रॉड माइंड से सोचना है, आपको रिश्तेदारों में अपनी इज्जत बढ़ानी है बोर्ड्स के मार्क्स दिखा के, या फिर अपना फ्यूचर सिक्योर करना है। ठीक है, मैं बोर्ड्स के ऊपर, मैं बोर्ड्स को ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देता, मैं इक्वल इंपॉर्टेंस दे सकता हूँ, लेकिन MHTCET से ज्यादा इंपॉर्टेंस मैं बोर्ड्स को कभी नहीं देता, क्योंकि मुझे पता है एट द एंड आउटपुट क्या होने वाला है कि नहीं। तो ये था बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपका। प्लीज व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाना और ऐप को जरूर इंस्टॉल कर लेना यार। ठीक है, कुछ भी समस्या हो आप मुझे पूछ सकते हो। ठीक है, कुछ मुझे PDFs आपको प्रोवाइड करनी हो, मैं वहां पे आपको प्रोवाइड करूंगा, सारे PYQs में फ्री में डालने वाला हूँ। ठीक है, लेकिन सोल्यूशन वाले जो PYQs है वो आपको क्रैश कोर्स में मिलेगी। ठीक है, क्रैश कोर्स में मैंने समझाया है हर एक PYQ सॉल्व कैसे होता है, आपके अगर आपके पास क्वेश्चन आया तो उस चीज को कैसे सॉल्व करोगे, है ना। तो मिलता हूँ मैं आपको क्रैश कोर्स में। ठीक है, और मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में यूट्यूब पे। प्लीज यूट्यूब को सब्सक्राइब कर लेना, तब तक के लिए सी आ, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू। व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर ज्वाइन हो जाना।